हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 साल के बच्चे की पठानी सलवार की कटिंग करना बताएंगे। तो इसकी कटिंग हम किस तरह से करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे, तो आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे आप बिगनर भी हैं तो आप इस वीडियो को देख कर अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो इसकी जो हम कटिंग है थोड़ी सी लूज में करेंगे। तो इसकी कटिंग करने के लिए ये हमने फैब्रिक लिया है, ये हमारा आधा मीटर फैब्रिक है, यानी हाफ मीटर का फैब्रिक है। इसमें हमारी जो है सलवार आराम से निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डबल में फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको डबल में फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार और इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो दोनों पाचे हैं वो एक साथ में निकल आते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसकी हम मार्किंग करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें एक ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों एक मार्क हम इसमें और करेंगे, वो हम करेंगे नेफे का। यदि आप इसमें इलास्टिक डालना चाहें तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो इसमें हम 2 इंच पर एक और मार्क करेंगे। अब इसकी जो लंबाई रखेंगे वो हम रखेंगे 17 इंच। तो यहाँ से हम 17 इंच पर मार्क करेंगे। इसका बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखेंगे। तो इसका मार्जिन रखेंगे हम 2 इंच। मोरी का निशान लगाएंगे तो हम इसकी जो मोरी रखेंगे वो रखेंगे 9 इंच, प्लस इसमें हम 1 इंच मार्जिन और रख लेते हैं। इस तरह से ये हमारी इतनी मोरी है और इतना हमारा ये मार्जिन है। इसके घेर का निशान लगाएंगे तो यहाँ से हम लगाएंगे 7.5 इंच पर। लटक का निशान लगाएंगे तो इसकी जो लटक रखेंगे वो हम रखेंगे 8.5 इंच। यहाँ से हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से क्रॉस में कर देंगे, क्योंकि ये हमारा पलट कर आएगा तो अच्छी तरीके से ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी मार्किंग हो जाती है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम झटका लगा लेते हैं, ये हमारी मोहरी फोल्ड होगी यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पर हम झटका लगा लेते हैं, यहाँ से हमारी म्यानी अटैच होगी। ये हमारा नेफे का मार्क है, तो यहाँ पर आप नाड़ा भी डाल सकते हैं और नेफा भी या इलास्टिक भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो हमारी ये टोटल लेंथ इतनी रहेगी। तो इस तरह से ये हमारे पार्ट कट हो गए हैं। अब दोस्तों इसमें हम म्यानी को लगाएंगे, तो म्यानी को कट करते हैं। तो ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है म्यानी के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार ये हमारा इस तरह से डबल फोल्ड है, तो एक बार हम इस तरह से और इसको फोल्ड करेंगे क्रॉस में, और इसमें हम म्यानी क्रॉस में कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी म्यानी कट हो जाती है। तो इस तरह से हमारी इसमें ये अटैच हो जाती है। तो इसकी हमारी कटिंग हो गई है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो कटिंग आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं पर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमने जो इसकी मोरी है उस पर हमने इस तरह से पेस्टिंग कर ली है। तो इससे ये होता है कि हमारी जो मोरी है अच्छी लगने लगती है और बढ़िया तरीके से बन जाती है। तो इस तरह से हमने इसमें चिपका लिया है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से अब हम इस मोरी को बनाएंगे। एक पार्ट को उठाएंगे। आपको ये देखना है कि आपकी जो पेस्टिंग की हुई है उस पर आपको सिलाई लगाना है। तो आपको यहाँ से लेकर एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको एक नीचे भी सिलाई लगानी है लपकी। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। ये हमारे जेंट्स बच्चे की पजामी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पैर की सिलाई यहाँ पर लगाएंगे, एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। हम इस तरह से भी आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको रेडी करना है। दूसरे पार्ट को भी अब बना लेना है। ये दोनों पार्ट हमने इस तरह से बना लिए हैं। अब इसके बाद हम इसकी म्यानी को अटैच करेंगे। तो
तो इसकी जो मियानी है वो हम पक्की सिलाई से अटैच करेंगे, इसमें हम इंटरलॉक नहीं करेंगे। तो ये जो पार्ट है हम एक पार्ट को ले लेंगे और इस तरह से इसको हमने सीधा रखा हुआ है। जैसे आपको कच्ची मियानी अटैच करनी है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से ये हमारी मियानी के दो पार्ट हैं, उल्टे हिस्से पर मार्किंग कर लेंगे। इस मियानी को आपको कच्चा जोड़ना है, जोड़ने के बाद इसमें इंटरलॉक करनी है। तो आप किस हिसाब से जोड़ेंगे, तो इस पार्ट को आपको सीधा रखना है। मियानी का ये हमने एक पार्ट लिया है, ये सीधा वाला पार्ट हिस्सा है और ये उल्टा है। तो इस तरह से हम उल्टे की तरफ रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर इसको अटैच कर लेंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसमें इंटरलॉक करके ऊपर से सिलाई लगाते हैं। अब जैसे हमें इसको पक्का फोल्ड करना है, यानी मियानी को पक्का अटैच करना है, तो क्या करेंगे, इस पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। इस तरह से उल्टा रखने के बाद ये जो हमारे मियानी का हिस्सा है तो इसको भी हम इस तरह से सीधा रखेंगे, यानी ये भी हमारा उल्टा है और ये भी उल्टा है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक सूत का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से सीधा कर लेंगे और इसे हम इस तरह से इसको पलटेंगे। और पलटने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये हमारा पक्का अटैच हो जाता है। तो एक साइड हम मियानी को अटैच कर लिया है। अब दोस्तों दूसरे पार्ट में हम मियानी को इसको जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको उल्टा रखेंगे, यानी सीधा वाला जो हिस्सा है हमारा इस तरफ है, इस तरह से उल्टा रखेंगे और दूसरा वाला जो पार्ट है इसको हम इसके ऊपर इस तरह से सीधा रखेंगे। और इसमें भी हम एक सूत का मार्जिन लेकर इसको कच्चा करेंगे। इस तरह से हम इसको कच्चा कर लेंगे। जैसे आपका थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा हो जाए तो आप इसको इस तरह से कट भी कर सकते हैं। कट करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से नाखून लगाना है। लगाने के बाद इसको भी हम इसी तरीके से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें भी सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड का पार्ट हमने बनाकर रेडी कर लिया है। तो ये हमारी मियानी अच्छी तरीके से अटैच हो गई है। इस तरह से दिखा देते हैं हम आपको अच्छी तरीके से, उल्टी साइड भी हमारी कोई भी कच्चा मार्जिन नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आपको अटैच करना है। अब दोस्तों जिस तरह से हमने इस पार्ट को अटैच किया हुआ है उसी तरीके से आपको सेकेंड पार्ट में भी इस मियानी को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारी दोनों मियानी लगकर तैयार हो गई हैं। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसकी जो है साइडें लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस तरह से मियानी को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं जिससे हमारी मियानी का सेंटर आउट ना हो। तो इतनी दूरी पर हमने एक सिलाई लगा ली है। अब दोस्तों हम यहाँ से इस सिलाई को लगाएंगे। जितनी भी आपको मोरी रखनी है उस तरह से आपको नाप लेना है। तो इस तरह से आप मोरी पर सिलाई लगाएंगे और इसकी साइड अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे। इस तरह से हम इसको नापेंगे और दोनों मोरी हम बराबर रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारी साइड बंद लग गई है। इस पर इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब इसके हम ऊपर वाले हिस्से को बनाएंगे। अब दोस्तों इसके हम नेफे को फोल्ड करेंगे। तो इसमें जो है हमें इलास्टिक डालनी है, तो ये छोटे बच्चे की है। यदि जैसे आप इसमें नाड़ा डालना चाहें तो नाड़ा भी डाल सकते हैं, तो लेकिन ये हमारी छोटे बच्चे की है तो इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इसको हम फोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ से इसको रखेंगे और इस तरह से हम आधा इंच इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा हम मार्जिन छोड़ देते हैं, जिससे हम जब इसमें इलास्टिक डालेंगे तो हम इसको आसानी से इसी के ज़रिए डाल सकते हैं और इसी के ज़रिए हम नाड़ा भी डाल सकते हैं। तो इसलिए हमने इतना मार्जिन छोड़ दिया है और बाकी के हिस्से को हम पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। इतना जो हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है ये इसमें हमारी इलास्टिक डाली जाएगी। इलास्टिक डालने के बाद आप इसको पक्का भी कर सकते हैं और इसे खुला भी रहने दे सकते हैं। तरह से हमने इसमें इलास्टिक डाली है।
आपको अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस तरह से हमने इसमें जो है वो 1 इंच चौड़ी इलास्टिक डाली हुई है, जैसे आप इसमें पतली डालना चाहें तो पतली भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इलास्टिक डालने के बाद क्या करेंगे, इसका जो हमने ये इतना मुंह खोला हुआ था इसको हमें बंद करना है। और इलास्टिक को अच्छी तरीके से हमें एडजस्ट कर लेना है सभी जगह से, कहीं हमारी इकट्ठी इलास्टिक ना रहे। इस तरह से करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसके बीचों बीच एक सेंटर पर हम सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी जो इलास्टिक है वो इधर उधर नहीं होगी, वो बराबर रहेगी। तो इस तरह से ये हमारी इलास्टिक डलकर तैयार हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।